हमको जाता भाई को जाता भाई खुली खुली तब ये आपका भी छोड़ दे रहा है पिपियां बच्चों को चलिए ए सुनो सारे डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजीव जी वाराणसी अपने आप में कई ऐतिहासिक चीजें समेटे हुए हैं एक ऐसी यहाँ पर कब्रिस्तान के बारे में जानकारी है जो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की गवाह है और आज भी वहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत कही जाती है कौन सा है ये कब्रिस्तान और क्या है इससे जुड़ी कहानी यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और खासकर वॉरेन हेस्टिंग्स जब बनारस आया और उसका झगड़ा चेत सिंह से चल रहा था तो चेत सिंह से उसने 5 लाख रुपए मांगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को देने के लिए लेकिन चेत सिंह ने पैसा बहुत कम दिया और इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगातार वो दखल भी दे रहा था और यहाँ पर मिस्टर चेरी को बाद में चल के 1799 में मिस्टर चेरी को यहाँ का रेजिडेंट बनाया गया रेजिडेंट कमिश्नर बना और डेविस यहाँ का जिलाधिकारी बना तो ऐसी परिस्थिति में एक वज़ीर अली करके अवध का नवाब था जिसको कि अंग्रेज़ों ने जिसको बेदखल करवा दिया था और वो अपने बेदखली का बदला लेने के लिए वो बनारस आया 1797-98 में वो बनारस के आसपास आ गया था बार बार वार्ता चल रही थी लेकिन समझौता नहीं हुआ 14 जनवरी 1799 को उसने चेरी हाउस पर हमला कर दिया बहुत सारे लोग मार दिए गए जिसमें चेरी भी शामिल था और डेविस के परिवार के भी बहुत सारे उसके पत्नी और बच्चों को भी मार दिया गया 200 लोगों जो रेजिडेंट आर्मी थी उसकी अंग्रेज़ों की उसको भी वज़ीर अली ने मार दिया और इस तरह से बहुत सारे लोग जो यूरोपियन कॉलोनी उसने बनाए थे सिकरौल में यूरोपियन कॉलोनी पर हमला कर दिया गया उनके घरों को आग लगा दिया वज़ीर अली ने क्योंकि नफरत चरम सीमा पर थी और वो अपने बेदखली से नाराज़ भी था तो उसको इतने भरी संख्या में जब मारे गए लोग तो जब बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए तो यहाँ पर जो कचहरी और मकबूल आलम रोड के बीच में जो स्थान है उस स्थान पर उन्होंने एक कब्र बनाई और उस कब्र में सिर्फ रॉयल फैमिली या उससे जुड़े हुए लोगों के लिए कब्रिस्तान बना उसमें बहुत बड़ी संख्या में मारे गए 1799 में तो 14 जनवरी 1799 उनके लिए बड़ा काला दिन था तो वहाँ पर उन्होंने उनकी कब्र बनाई और आज भी उनके कब्रिस्तान में उन्हीं लोगों को दफन किया जाता था बहुत समय तक जब जो अंग्रेज़ों के सेनानायक होते थे या अंग्रेज़ों के रॉयल फैमिली से जुड़े होते थे भैया अपना नाम बता दो मेरा नाम संदीप टुप्पो है किस चीज़ की रखवाली आप करते हैं यहाँ पे जितने भी गिरव्याट हैं जितने भी कब्र हैं उन्हीं सब चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अन्य कब्रों से कुछ हटके है मतलब कुछ अलग अलग टाइप के कब्र है जिसमें एक एक कब्र में दो दो लोगों की लाश है वो बहुत पहले ब्रिटिश ज़माने से का ही है अंग्रेज ज़माने का जब थे ना तब का ही है सन 1600-1700 ईस्वी की आपको मिलेंगे देश में अंग्रेजी हुकूमत कई साल पहले ख़त्म हो गई हो तमाम क्रांतिकारियों और महापुरुषों ने अंग्रेज़ों को देश से भगा दिया हो लेकिन आज वाराणसी में एक ऐसी जगह पर हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर आज भी अंग्रेजी हुकूमत है जी हां सुनने में थोड़ा आश्चर्य होगा लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे ये एक कब्रिस्तान है जहाँ पर आज भी सन 1600 से लेकर 1900 ईस्वी तक के जो अंग्रेजी शासक थे या फिर अंग्रेजी अधिकारी थे उनकी कब्रें मौजूद हैं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने 100 सालों बाद भी आज भी इस कब्रिस्तान में इन्हीं लोगों की कब्रें मौजूद हैं और किसी की कब्र यहाँ नहीं बनाई जाती है जो अपने आप में अलग कहानी है यानी आज भी इस कब्रिस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत है गोपाल मिश्र ईटीवी वाराणसी